हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपको स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग समतली संकुल में डी कक्षक विपाटन, यानी कि डी कक्षक जो है वो किस प्रकार से विभाजित हो जाता है उसको देखने वाले हैं हम लोग वर्ग समतली संकुल में। इसके पिछले वीडियो में मैं पहले से ही आपको दो विपाटन के बारे में समझा चुका हूँ, और जो दो विपाटन जो है वो है एक चतुष्फलकी में डी कक्षक विपाटन और एक अष्टफलकी संकुल में डी विपाटन। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज के टॉपिक बहुत ही बेहतर होने वाले हैं क्योंकि इसमें विपाटन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं वर्ग समतली यानी कि स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर इसलिए नाम बताया क्योंकि यहां पे इस एस और पी का जरूरत पड़ने वाला है। पहले इसकी ज्यामिति को समझते हैं कि अपने पास देखो इसकी ज्यामिति में थोड़ी सी पहले अपने को अष्टफलकी ज्यामिति को लेकर चलना होगा। ठीक है, तो अष्टफलकी ज्यामिति अपने पास पता है कि अष्टफलकी संकुल में अपने पास क्या होता है, अपने पास इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है कि मेटल एक ऊपर, लिगेंड एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया और एक आया यहाँ पे, है ना, वर्गाकार इस प्रकार से वर्गीय ज्यामिति बनाते थे, है ना, इस प्रकार से लिगेंड क्या आते थे, छह तरफ से इस प्रकार से अष्टफलकी संकुल में आते थे। लेकिन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ, क्या चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे ऊपर के एक लिगेंड और नीचे के एक लिगेंड को हटा दिया जाए, जैसे कि हटाते हैं, ठीक है, ऊपर में एक लिगेंड हटाया, दो लिगेंड हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया, माइनस कर दिया, एक ऊपर का एक नीचे का, तो इस बार जो ज्यामिति बनेगी वो ऐसे बनेगी वर्गी, और यहाँ पे अपने पास मेटल के पास क्या आएंगे, चार लिगेंड इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसमें वर्ग और एक समतली आकृति बनती है, वर्ग और समतली आकृति बनती है। तो ये है एक वर्ग समतली संकुल, वर्ग समतली संकुल, स्क्वायर प्लेनर संकुल। ठीक है, ये हो गई वर्ग समतली संकुल। अब देखिए कि चूंकि अष्टफलकी संकुल से वर्ग समतली संकुल बन जाता है, इसका मतलब अष्टफलकी संकुल को ही हम लोग आधार लेकर चलेंगे। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि ML6 था उसको क्या कन्वर्ट किए, हम लोगों ने दो L2 को माइनस करके हम लोगों ने ML4 में ला दिया, जिसकी ज्यामिति होती है वर्ग समतली और इस प्रकार की इसकी ज्यामिति होती है। अब इसमें सीखने वाले हैं विपाटन को, तो हम लोग आधार लेकर चलेंगे किसको, अष्टफलकी संकुल को। ठीक है, तो अष्टफलकी संकुल में विपाटन किस प्रकार का होता था वो अगर आपको याद होगा तो ज्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अष्टफलकी संकुल में जो विपाटन बताए थे उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, आपको थोड़ी सी याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अपने पास क्या रहता है, डी कक्षा होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ऊर्जा भी लेवल समान रहता है सबकी। ठीक है, हुआ ये DXY। ठीक है, ये DXY होता है, DYZ होता है, DXZ होता है, और ये वाला DX² - Y² और ये वाला DZ² इतना तो याद हो ही जाना चाहिए अभी तक तो आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया T2G समूह बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, EG समूह बोलते हैं। ठीक है, क्या होता था जब डी कक्षा विपाटन हुआ था, तो ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, जब विपाटन हुआ था तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि अपने पास यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अपने पास ऊपर में कौन चला गया था, नीचे में कौन चला गया था, ऊपर में चला गया था T2G। ठीक है, T2G कहाँ चला गया था, ऊपर में चला गया था, और नीचे में क्या आ गया था, EG। ठीक है, सॉरी, EG ऊपर में चला गया था और T2G नीचे में था। इस प्रकार से क्या हुई थी, अष्टफलकी संरचना में इस प्रकार का विपाटन देखने को मिला था। ठीक है, ये वाला क्या है, DX² - Y² और ये वाला क्या था, DZ², और ये तीनों क्या थे, DXY। ठीक है, DYZ और DXZ। ठीक है, अब इसमें जो विपाटन होने वाला है यहीं पे अब बात है, क्योंकि यहाँ ये तो था अष्टफलकी संकुल में विपाटन, यानी यहाँ तक की बात। अब इसमें जब दो लिगेंड को जब हटाए हम लोग, तो हटाने पर भी विपाटन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हटाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग विकृति उत्पन्न कर रहे हैं, और विकृति उत्पन्न होने की वजह साथ ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विपाटन जो होगा वो खतरनाक तरीके से होने वाला है। होता ये है कि यहाँ पे जो DX² है, ये इसकी ऊर्जा इतनी, इसकी ऊर्जा डायरेक्ट इतनी बढ़ जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाती है इसकी ऊर्जा। ठीक है, तो ये है DX² - Y² की ऊर्जा बहुत ज्यादा चले जाती है, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है इसकी बारी। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा डायरेक्ट इसके लेवल इसके जस्ट नीचे आती है, यानी कि DXY की ऊर्जा फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ये DZ² का जो ऊर्जा है वो यहां पे आती है इसके नीचे, तो ये DZ² है। ठीक है, और ये इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, इन दोनों की ऊर्जा, इसकी और इसकी, इन दोनों की ऊर्जा जो है वो आ जाती है नीचे में, यानी सबसे कम हो जाती है इन दोनों की ऊर्जा, यानी ये DYZ है और DX
जेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विपाटन देखने को मिलता है। देखो बहुत सारा विपाटन हुआ, यहाँ पर विपाटन हुआ, यहाँ पर विपाटन हुआ और यहाँ पर विपाटन हुआ। इस विपाटन को मैं डेल्टा वन, इसको डेल्टा टू, इसको डेल्टा थ्री लेते हैं और टोटल जो विपाटन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा एस पी, यानी कि कुल विपाटन यानी कुल वर्ग समतली में डी कक्षा विपाटन को हम लोग डेल्टा एस पी से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे विपाटन देखने को मिले, इस प्रकार का विपाटन इसमें खतरनाक तरीके से होता है, यानी सबसे ज्यादा विपाटन तो इसी में हो गया। अगर आपने देखा होगा तो चतुष्फलकी पट्टी में ज्यादा विपाटन नहीं हुआ था, अष्टफलकी में उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ था और इसमें सबसे ज्यादा विपाटन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही कुछ विपाटन हो चुके थे और इसमें हम लोगों ने लिगेंड को हटाया तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस यानी कि विकृति उत्पन्न कर डाले, जिसकी वजह से विपाटन बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने को मिला। तो याद रखना ये वाला सिक्वेंस कि डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, उसके बाद डीएक्स वाई, उसके बाद है ये वाला डीएक्स वाई, पहला वाला जो है वो जस्ट ऊपर में और नीचे में आए, उसके बाद जीजेड के स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों एक साथ नीचे में चले गए, यानी इनकी ऊर्जा में कमी हो गई, बाकी की ऊर्जा इनकी ऊर्जा में भी कमी हुई और इन दोनों की ऊर्जा तो बहुत ज्यादा ऊंचे आसमान में है, ठीक है। तो इतनी बात को याद रखना, इस प्रकार से विपाटन देखने को मिलता है वर्ग समतली संकुल में, ठीक है। और इस विपाटन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अब हम लोग अगर तुलना करें अष्टफलकी हम लोग क्या क्या पढ़े थे, चतुष्फलकी पढ़े थे, चतुष्फलकी संकुल में, चतुष्फलकी संकुल, उसके बाद अष्टफलकी संकुल में हम लोगों ने विपाटन देखा था अष्टफलकी संकुल में, उसके बाद लास्ट में देखे थे हम लोग यहाँ पे वर्ग समतली संकुल में, ठीक है। वर्ग समतली संकुल यानी स्क्वायर प्लेनर संकुल में भी क्या किए थे हम लोगों ने, विपाटन को देखा। तो सबसे ज्यादा विपाटन अपने को मिलेगा इसमें, इसका विपाटन को डेल्टा एस पी, इसके विपाटन को डेल्टा ओ और इसके विपाटन को क्या किए थे डेल्टा टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाला था, ठीक है। तो इसमें सबसे कम विपाटन ऊर्जा इसमें और सबसे ज्यादा विपाटन ऊर्जा इसमें देखने को मिला और बीच में रहा था ये। अगर तीनों के अगर मान को बताऊं तो इसका जो मान था वो 0.45 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ के संदर्भ में इसका जो विपाटन का मान है, विपाटन ऊर्जा का मान 0.45 है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ये तो एक डेल्टा ओ ही है, इसका जो है वो 1.3 डेल्टा ओ इसका विपाटन का मान है। तो सबसे ज्यादा विपाटन आपको वर्ग समतली में देखने को मिलता है, आप देख कर ही समझ सकते हैं, ठीक है। और सबसे कम विपाटन होता है चतुष्फलकी में, एक नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार का विपाटन देखने को मिलता है वर्ग समतली संकुल में, ठीक है। तो याद रखिएगा किस प्रकार से इसमें हम लोगों ने विपाटन को देखा था, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग इसके बहुत सारे और सीएफटी के क्रिस्टल फिल्टर थ्योरी के हम लोग इसकी कमियों और अनुप्रयोगों को देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला क्लास भी, ठीक है। तो धन्यवाद।